अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं एक नई मुनफरिद एक्टिविटी के साथ हाजिर हुई हूं जिसका नाम है फर्स्ट स्टेप। इसमें हम जानेंगे आपके पसंदीदा लिखारी की कामयाबी के सफ़र की दास्तान। और आज हम जिस लिखारी से उनकी इस लिखारी की दुनिया में सफ़र से मुतलिक सवाल करेंगे वो हैं आप सबकी और हमारी दिलअज़ीज़ ईशा गिल। ईशा गिल फेमस डाइजेस्ट राइटर हैं और किताब नगरी की ऑफिशियल राइटर हैं। तो देर किए बिना स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। कैसी हैं आप? अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा दें और अपने कलमी और हकीकी नाम के मुतालिक बताएं। आप कैसे मिजाज की हैं? आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? खाने में क्या क्या पसंद है? मीठा पसंद है या नहीं? आपके पसंदीदा राइटर कौन है और क्यों? पाकिस्तान का कौन सा शहर पसंद है? मैरिड या सिंगल? सियासत में दिलचस्पी है? लिखने का शौक कब हुआ? आपको कब लगा कि आपको लिखारी बनना चाहिए? पहला नॉवेल लिखते वक्त कैसे तासुरात थे? शुरू शुरू में लोगों के तबसरे और तारीफ सुनकर कैसा महसूस होता था? सबसे पहले आपकी तहरीर की तारीफ किसने की थी? अपने पसंदीदा राइटर के नॉवेल से अपने पसंदीदा किरदार का नाम बताएं। आपका कौन सा नॉवेल है जो आपको लगता है कि आपके दिल के बहुत करीब है? आप लिखते वक्त किन बातों का ख्याल रखती हैं? अच्छा, ये बताएं लिखते वक्त आपकी कोई मखसूस जगह या वक्त है या बस जब फ्री हो तब लिखती हैं?
आगे क्या इरादे हैं लिखने के हवाले से, क्या करना चाहती हैं? अगर आप किसी नए लिखारी को कोई नसीहत करना चाहें या कोई टिप कि उनको कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए? आपको लिखने में क्या दुश्वारी पेश आई? घर में किसने सपोर्ट की और किसने तनकीद की? क्या लिखारी को लिखने से पहले अपने मौजू पर काम करना चाहिए, मतलब रिसर्च वगैरह, या बस जो दिल में आए लिख देना चाहिए? किसी हसास मौजू पर लिखा कभी, या अगर लिखेंगी तो क्या सोच होगी आपकी, उससे पहले क्या करेंगी? आपके लिखने के अलावा क्या मशाग़िल हैं, ये क्या मसरूफियात हैं? अच्छा, ये बताएं, अपनी दूसरी मसरूफियात और लिखने के वक्त को मैनेज करना आसान होता है या मुश्किल पेश आती है? आप ज़्यादातर किस चीज़ पर लिखती हैं, मोबाइल, लैपटॉप या कागज़? कारी की कौन सी बात या कौन सा सवाल आपको इरिटेट करता है? मज़ीद क्या करना चाहती हैं, क्या आपको लगता है कि कामयाबी आपके मुंतज़िर है? किसी को मोटिवेट करने के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल करती हैं? आपकी नज़र में मोहब्बत क्या है? मोहब्बत की वजाहत करें।
अब जो मैं पूछूंगी उनमें से कोई एक चूज करना है, बर्फ या बारिश, मोहब्बत या इज्जत। कश्मीर या तुर्की, ब्लैक या व्हाइट, पिज्जा या बिरयानी, चाय या कॉफी, खामोशी या गपशप, दोस्त या तन्हाई। पढ़ना या लिखना, उर्दू या इंग्लिश, समंदर या पहाड़। वफा या मोहब्बत, सफर या हमसफर, जिंदगी की कोई एक ख्वाहिश। दोस्ती के बारे में क्या ख्यालात हैं? अब अपने कारीन के लिए कोई अच्छी बात या नसीहत जो आप करना चाहें। किताब नगरी वेबसाइट ऑनर सामिया चौधरी के नाम कुछ कीमती अल्फाज। बहुत अच्छा लगा ईशा गिल आपके साथ इंटरव्यू करके। उम्मीद है लिसनर्स को और व्यूअर्स को बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे किसी न्यू राइटर की इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।